हनुमान मूवी के ट्रेलर का ये शॉट दिखने में काफी खूबसूरत है ना, पर क्या ये एक ड्रोन शॉट है जिसे रियल लाइफ लोकेशन में शूट किया गया है या फिर ये पूरा का पूरा एक सीजी शॉट है जिसे कंप्यूटर के अंदर बनाया गया है। साथ ही साथ क्या तुमने इस मूवी के विलेन के लैब में सुपरमैन और बैटमैन के पोस्टर्स देखे क्या? नहीं देखे ना, ऐसे ही 8 अमेजिंग डिटेल्स के बारे में बात करूंगा जो कि मैंने हनुमान के ट्रेलर में नोटिस करी। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अवि एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अवि। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि हनुमंतु पानी के अंदर है। अब अगर आप यहाँ पे चेहरे पे थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको थोड़े बहुत मार्क्स देखने को मिलेंगे, जिससे ये पता चलता है कि मोस्ट प्रोबेबली इससे थोड़ा बहुत पहले हनुमंतु की एक फाइट हुई है। अब इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रेलर में आगे भी है, लेकिन अभी के लिए आप ये लॉकेट यहाँ पे ध्यान रखो जो कि यहाँ पे पानी में फ्लोट हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा मेरी थ्योरी को प्रूव करने के लिए। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है ये है हनुमान जी का रक्त रतन, जिससे मोस्ट प्रोबेबली अपने हीरो हनुमंतु को हनुमान जी की पावर्स मिलेंगे। उसके बाद आता है इस पूरे ट्रेलर का सबसे खूबसूरत शॉट, नंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन, जहाँ हम देखते हैं कि कैमरा पैन होता है एक रिवर के अंदर से और हमें आजू बाजू कुछ माउंटेन और फॉरेस्ट दिखते हैं, और एट द एंड जब ये शॉट खत्म होता है तब हम एक माउंटेन पर हनुमान जी के स्टैचू को एनक्रेव्ड दिखते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा ऑसम है। इस मूवी के टीजर में भी ये शॉट था, लेकिन ट्रेलर में जब हमने इसको फुल लेंथ में देखा तो ये माइंड ब्लो कर देता है। इट्स प्योर ब्लेसिंग फॉर आवर आईज। अब एक्चुअली मैं इस शॉट का एक छोटा सा वीएफएक्स ब्रेकडाउन कर देता हूँ, हालांकि मुझे उतना कुछ खास नॉलेज नहीं है बट डिसेंट नॉलेज है मुझे वीएफएक्स के बारे में। अभी शॉट को देख के आप कह सकते हो कि ये प्योर सीजी शॉट है और इसको पूरी तरह से कंप्यूटर में बनाया गया है, जो कि हो भी सकता है नो डाउट, पर एक चीज मैं रिमाइंड कर देता हूँ, इस मूवी का बजट बहुत ज्यादा टाइट है, तो ऐसे में इतने हैवी सीजी शॉट्स मूवी में डालना उसके कॉस्ट को और भी ज्यादा बर्डन करेगा। मेरे ओपिनियन में इस शॉट का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है जो हमें ड्रोन का व्यू दिखता है वो एक्चुअली में रियल लोकेशन पे शूट किया गया है, एंड उसके बाद जिस माउंटेन पे हनुमान जी की स्टैचू एनक्रेव्ड है वो पूरा का पूरा सीजी शॉट है और उसे इस ड्रोन शॉट के पीछे कंपोजिट किया गया है। अब अगर तुम इस शॉट को 0.25x स्पीड पे देखोगे तो तुम्हें थोड़ा सा जिटरी इफेक्ट देखने को मिलेगा उस पीछे वाले माउंटेन में जहां हनुमान जी की मूर्ति है, एंड थोड़े बहुत फ्रेम्स वहां पे स्टक होते हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ वो वाला शॉट वहां पे कंपोजिट किया गया है बाद में। हालांकि नॉर्मल स्पीड में ये चीज आप नोटिस नहीं कर सकते, पर 0.25x स्पीड में आप ये चीज इजीली नोटिस कर सकते हो। अब ट्रेलर में आगे हम देखते हैं अपने हनुमंतु को चीता से रेस करते हुए। अब ऑब्वियसली यहां पे जो चीता का सीजी है वो बहुत ओके सा है, मतलब काम चला हुई है, कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन मूवी का बजट काफी नहीं है तो अपन उस चीज को लेके कंप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली एक चीज है, जब अपना हनुमंतु दौड़ रहा होता है तो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर है, तो ये इफेक्ट पर्टिकुलरली एनिमे के अंदर देखने को मिलता है, जहां एनिमे में इस इफेक्ट को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जब भी कोई भी कैरेक्टर बहुत तेजी से ट्रैवल करता है तो उसके बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया जाता है उसकी स्पीड को दिखाने के लिए कि एक्चुअली में कितना फास्ट है वो। अब देखो ये इफेक्ट एनिमे में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो एनिमेशन होता है, बट रियल लाइफ में इसको करना काफी ट्रिकी हो जाता है एंड दिखने में उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगता। बट यकीन मानो अगर आपकी मूवी एक टाइट बजट में बन रही है तो दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन। ऐसा ही कुछ इफेक्ट हमें क्रिश मूवी में भी देखने को मिला था, तो तुम ये समझ सकते हो कि प्रशांत वर्मा ने स्टार्टिंग बहुत सही करी है अपने पहले सुपर हीरो मूवी से। अब देखना है कि इवॉल्व कितना होते हैं वो अपनी अगली मूवीज में। अब उसके बाद ट्रेलर में हमें इस मूवी का विलेन दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली में सुपर हीरो से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, उसे सुपर पावर्स चाहिए, उसके पास ऑलरेडी एक सूट है जिसमें पावर्स हैं जिसको यूज करता है, वो ट्रेलर में भी दिखता है, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेंथ वगैरह है उस सूट के अंदर। उसको एक्चुअली में सूट में पावर नहीं चाहिए, उसको खुद में पावर चाहिए, जो कि बेसिकली इस मूवी का प्लॉट होने वाला है, और इसीलिए शायद वो हनुमंतु के पीछे आएगा जिस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसी लैब में जब वो अपना सूट दिखा रहा होता है तो यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देखोगे यहाँ पे आपको दो सुपर हीरोज की पेंटिंग दिख जाएगी। अब एक्चुअली में वॉल पे यहाँ पे सुपरमैन और बैटमैन दोनों बने हुए हैं, जिससे ये चीज और भी क्लियर हो जाती है कि एक्चुअली में बंदा काफी बड़ा सुपर हीरो नर्ड है। अब इसी लैब के अंदर तुम्हें एक और डिटेल नोटिस हो जाएगी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, इस सुपरमैन के पिक्चर के जस्ट बगल में तुम्हें एक एम लोगो देखने को मिलेगा जिसका मतलब है माइकल, जो कि इस बंदे का नाम है यानी कि इस मूवी के विलेन का नाम है माइकल। अब ट्रेलर के अगले शॉट में हम देखते हैं कि हनुमंतु कुछ पिलर्स के सामने खड़ा हुआ है एंड जिन पिलर्स में काफी सारे पेंट है, काफी सारे कलर्स हैं, लेकिन इन पिलर्स को जब हम कलेक्टिवली फ्रंट एंगल से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई अंजनादरी के लोगों ने इन पिलर्स में एक्चुअली हनुमान जी की पेंटिंग बनाई है, जो कि देखने में काफी कूल लगता है। ऑल्दो मुझे पता है कि मोस्ट प्रोबेबली आप में से बहुत से लोगों ने इस चीज को ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बता देता हूँ। अब आगे के शॉट में हम कुछ फ्लाइंग व्हीकल्स को देख सकते हैं जो कि अंजनादरी की तरफ बढ़ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अपने विलन के मोटिव्स को पूरा करने के लिए। एक्चुअली में ये माइकल के बैटल ड्रोन्स हैं जिनको माइकल यूज करने वाला है इस मूवी के अंदर। अब भाई जो बंदा बैटमैन जैसा सूट पहन के घूमता है चारों तरफ, उसके लैब में बैटमैन की फोटो है, उससे तो तुम ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। अब ट्रेलर में आगे हम हनुमंतु की बहन को भी देखते हैं, जिनको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी शादी
ही हो रही है इस वाले सीन के अंदर, क्योंकि इनका लुक ऐसा ही कुछ है। और देखो बचपन से लेके आज तक मैंने भी बहुत सारी साउथ मूवीज देखी है और उन साउथ मूवीज में शादियां भी देखी है, और हीरोइनें जो ऐसा मंगलसूत्र यहाँ पे पहनती है वो चीज मुझे अभी भी याद है। तो देखो इतना तो जानता हूँ मैं, और साउथ इंडिया के बारे में इतनी तो नॉलेज है मुझे। फिर हम आगे ट्रेलर में एक बाबा जी को देखते हैं जो कि किसी बारे में वार्न कर रहे हैं। तुम्हें केवल एक व्यक्ति के दुष्कर्म दिख रहे हैं, किंतु एक महासंकट आने वाला है। और इसके ठीक बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके नाक से खून बह रहा है। फिर अगले शॉट में एक और लड़की को देखते हैं जिसके आंख से खून निकल रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये सिग्निफाई करता है कि इस मूवी के स्टोरी का ट्रंप कार्ड अभी भी रिवील होना बाकी है। एंड जिस प्रॉब्लम के बारे में बाबा जी अभी बात कर रहे हैं यही वो ट्रंप कार्ड होगा स्टोरी का, जिसके बारे में अभी तक ऑडियंस को जीरो आइडिया है। एंड मूवी मेकर्स ने काफी अच्छा डिसीजन रखा कि उसको हाइड करके रखा अभी तक। एंड मूवी मेकर्स का काफी अच्छा डिसीजन था ये कि उसको अभी तक हाइड करके रखा है। एंड वी होप कि इट लैंड्स वेल। अब ट्रेलर में आगे हम डीमन जैसे दिखने वाले कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हनुमंतु को चारों तरफ से घेर लेते हैं, फिर उसको चाकू से मार के एक किक करते हैं जिसकी वजह से वो पानी में जा गिरता है। और फिर ठीक अगले शॉट में हम देखते हैं पानी में गिरने के बाद उसके चेहरे पे मार्क्स है और उसके हाथ में ये लॉकेट है। अब याद है ना मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ याद रखने को कहा था, ये लॉकेट। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। तो एक्चुअली में जो डीमन जैसे दिखने वाले लोग हैं ये हनुमंतु को मार के उसको नदी में फेंक देंगे, जिसके बाद उसे हनुमान जी का रक्त रतन मिलेगा नदी में। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी के बाद हनुमंतु को पावर्स मिलेंगी। एंड इसका कंटिन्यूएशन शॉट हमें टीजर में देखने को मिला था जहां वो नदी के किनारे किसी तट पर बेहोश पड़ा था, जहां मोस्ट प्रोबेबली जब उसे पावर मिली तो पावर्स की वजह से बेहोश हो गया और इसीलिए अब वो किनारे पे लेटा हुआ है बेहोश। एंड इस शॉट में आप देख सकते हैं कि उसके हाथ से जो लॉकेट है वो फिसल रहा है। वही ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि वो जो लॉकेट है वो फ्लोट करता हुआ कहीं और जा रहा है, उसके हाथ से दूर जा चुका है, जो कि ये प्रूफ करता है कि ये दोनों शॉट एक्चुअली में एक कंटिन्यूटी का पार्ट है। अब यहाँ इसी शॉट में एक और नोटिसेबल चीज है, वो है इस टाइगर का सीजीआई, जो कि ट्रेलर में पहले दिखे चीता वाले सीजीआई से काफी बेहतर है। मोस्ट प्रोबेबली उस चीता का ज्यादा पर्पस नहीं होगा मूवी में, इसलिए मूवी मेकर्स ने उसमें उतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया और उतना एफर्ट नहीं दिया। एंड शायद इस टाइगर का थोड़ा बहुत रोल हो सकता है, इसलिए इसका सीजीआई बेहतर है। ऑल्दो ये वाला सीन नाइट में टेक प्लेस कर रहा है, लेकिन स्टिल इट लुक्स बेटर। एंड एट द एंड ये मूवी पैन इंडिया रिलीज नहीं हो रही है बल्कि पैन वर्ल्ड रिलीज हो रही है, जहां इस मूवी को 12 अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा अक्रॉस द वर्ल्ड। तो गाइस यही था एक छोटा सा वीडियो हनुमान मूवी के ट्रेलर के कुछ हिडन डिटेल्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।